विपत्ति कब और कैसे आ जाए कोई नहीं जानता। कुछ ऐसा हुआ 9 साल की रीता के साथ। रीता को गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया है। दरअसल रीता साल भर की थी जब अचानक स्पाइन डिजीज होने से पैर की एड़ी मुड़ना शुरू हो गया। पटना के सभी डॉक्टरों को दिखाने के बाद सभी डॉक्टर जल्द से जल्द ऑपरेशन करने की सलाह दी। रीता के माता पिता रीता को लेकर दिल्ली एम्स में भी दिखाया। यहाँ भी ऑपरेशन जल्द से जल्द कराने की सलाह दी गई, मगर समस्या ये कि दिल्ली एम्स में बेड खाली नहीं होने के कारण उसे एडमिट नहीं किया जा सका। लंबे समय तक कोई भी बेड खाली नहीं होने की वजह से अब रीता के माता पिता अपने क्षेत्र के सांसद से गुहार लगा रहे हैं किसी तरह से दिल्ली एम्स में बेड दिला दिया जाए। दिन प्रतिदिन रीता की हालत खराब होती जा रही है। रीता के पिता राजेश कुमार प्राइवेट जॉब करते हैं जबकि माता पुष्पा देवी गृहिणी हैं। क्या नाम है आपका? पढ़ते हैं? पढ़ के क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर बनना चाहते हैं? डॉक्टर बन के क्या कीजिएगा? किसकी सेवा कीजिएगा? मरीजों का सेवा करना है आपका। जोर से बोलिए। पढ़ाई करते हैं? हाँ। कौन क्लास में पढ़ रहे हैं? ट्यूशन में पढ़ते हैं। पढ़ के क्या बनना चाहते हैं? कुछ बनना चाहते हैं क्या? आप बताइए। बता, नाम बता बेटा। क्या बनना चाहते हैं बताइए। हाँ बोलो खोल के। बोलिए क्या बनना चाहते हैं? बोलो ना। पढ़ रहे हैं ना, तो पढ़ के कुछ बनना चाहते हैं क्या? क्या चाहिए तो बताइएगा ना। डॉक्टर बनना चाहते हैं? इंजीनियर बनना? क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर नहीं। छोटी सी बच्ची का तो नाम है रीता कुमारी। जब जन्म ली थी तो इसका दोनों पैर जो है टेढ़ा, साल भर के बाद और टेढ़ा हो गया। हमने पीएमसीएच के डॉक्टर आईजीएमएस प्रमुख मेडिकल संस्थान में दिखाया, सभी ने एक ही राय दिया कि एम्स में इसका इलाज बेटर होगा। फिर हम अपनी बच्ची वो वहाँ एम्स ले गए। एम्स में डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी में डॉक्टर रमेश दुधवानी जी भी देखें, बढ़िया से डायग्नोसिस किए, तो उन्होंने बताया कि इसका ऑपरेशन होगा और उन्होंने वार्ड भी अलॉट कर दिया। लेकिन वार्ड खाली नहीं रहने से ऑपरेशन में विलम्ब हो रहा है, जिससे बच्ची को परेशानी बढ़ रही है। क्या चाहते हैं? हम यह चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के माननीय सांसद महोदय से अनुरोध है कि हमें मदद करें ताकि मेरा बच्ची का ऑपरेशन सफल हो और सही समय पर हो। मेरी विनती है। डॉक्टर ने क्या कहा? जल्द से जल्द ऑपरेशन हो? हाँ, डॉक्टर ने कहा कि इसका जल्द से जल्द ऑपरेशन होना नितांत आवश्यक है। तो बेड नहीं मिल रही है तो कितने परेशानी हो रही है आप लोग? बेड नहीं मिलने से परेशानी बढ़ रही है। क्या परेशानी है बच्ची? परेशानी है कि जन्म जैसा ही लिया, एक साल के बाद पता चला कि इसका पैर टेढ़ा हो रहा है। डॉक्टर से दिखाया गया तो पीछे मंगोली अंडा की तरह पीठ में है, जिसके वजह से पैर टेढ़ा होते जा रहा है। इसका ऑपरेशन जरूरी है, मस्ट, नहीं तो आगे चल के पूरा देश ही नहीं होगा। कहाँ दिखाए हैं बच्ची को? डॉक्टर पटना पी एम सी एस सब कर पटना यहाँ सब देखा के रेफर पटना पी एम सी एस से भी दिखाए थे और आईजीएमएस में भी दिखाए, इंदिरा गांधी में भी दिखाए हैं और जनपद कुरवाड़ी एम्स में भी दिखाए हैं। सभी डॉक्टर का कहना है कि ऑपरेशन होगा, लेकिन कहाँ नहीं, इसके लिए दिल्ली आपको जाना पड़ेगा। यहाँ उतना व्यवस्था नहीं है, जाकर वहाँ करा लीजिएगा तो इसका पैर बहुत जाना जाएगा और आगे का जो भी क्रिया है ना बढ़ेगा। क्या नाम है? और डॉक्टर के कहना है कि ऑपरेशन नहीं होने के वजह से और ऊपर महसूम हो जाएगा, इसलिए इसको जल्द से जल्द अपॉइंटमेंट ऑपरेशन के लिए किया जाए। लेकिन अभी तक डॉक्टर का बेड सीट अभी तक मिला नहीं है, जिसके वजह से बच्चे को परेशानी ज़्यादा हो गया है। क्या कब से है बच्ची आपका इस तरह से, क्या परेशानी हो रही है उसको लेकर? परेशानी तो वो तो पेट में से है, और तो ये साल भर के बाद बहुत पेशाब उत्पन्न होता है बाथरूम और थी पैखाना भी हो जाता है, जलने में दिक्कत होता है, बोर पर एक बुखार नहीं है, बुखार बहुत ज़्यादा लगता है 8 दिन या 10 दिन और गोर में जब ना तब घाव फोड़ा नहीं थो के और फूट के घाव आ रही होती है, माने कि कमर से नीचे में एकदम सुन है, एक जाने नहीं।
डॉक्टर से देखाएं? हाँ देखाएं। क्या कहते हैं डॉक्टर? डॉक्टर तो कोड़ को कुछ नहीं कहते हैं, पहले उसका ऑपरेशन करेगा बोलते हैं पीठ का। ऑपरेशन के लिए तो ऑपरेशन कराएंगे? कराना तो है। क्या नाम हुआ? हीरा पुष्पा।